बच्चों, आज हम क्लास 8 की इंग्लिश की बुक हनी ड्यू का चैप्टर 6 दिस इज जॉर्डीज फॉन करने जा रहे हैं। तो बच्चों, फॉन का मतलब होता है हिरन का बच्चा, और जॉर्डी यहाँ पर एक बच्चे का नाम है, एक लड़के का नाम है। तो उसके पास ये हिरन का बच्चा कैसे आया, कहाँ से आया और क्या कुछ इंटरेस्टिंग हुआ इस कहानी में, ये जानने के लिए चलिए चैप्टर पढ़ते हैं। बिफोर यू रीड, ऑफन इंस्टेड ऑफ रशिंग टू द डॉक्टर to treat a small cut or burn, we find quick and effective cures using things available at home. Can you think of some such home remedies for a cut on your knee, a burn on your arm, a bee sting? तो बच्चों, कई बार ऐसा होता होगा आपके साथ भी कि अगर आपको कोई छोटा सा कट लग जाता है या कहीं थोड़ा सा जल जाते हो आप, तो आप सीधा डॉक्टर के पास भागने की बजाय घर में ही क्विक और इफ़ेक्टिव तरीके से उसको ठीक करने की कोशिश करते हो, जो भी सामान घर में अवेलेबल है उनसे। बच्चों, होता है ना, जिसे हम होम रेमेडीज़ कहते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, तो मम्मियाँ डॉक्टर के पास ले जाने की बजाय पहले ही जल्दी से कुछ उसके लिए होम रेमेडीज़ कर देती हैं और हम उससे वाकई में ठीक भी हो जाते हैं। आपको भी ऐसा कुछ होम रेमेडीज़ पता है क्या? जैसे कि अगर आपके घुटने में चोट लग जाती है तो क्या आपको पता है उसके लिए क्या होम रेमेडी करनी चाहिए? या अगर आपका हाथ है जो थोड़ा सा अगर जल जाता है, तो आप डॉक्टर के पास जाने के बजाय उसके लिए तुरंत घर में अवेलेबल चीज़ से क्या करेंगे जिससे कि आपको थोड़ी सी राहत मिले? या अगर आपको अचानक एक मधुमक्खी काट लेती है, तो आप क्या होम रेमेडीज़ करके उस जलन को या फिर उस दर्द को शांत करेंगे? आपको भी ऐसे होम रेमेडीज़ पता ही होंगे बच्चों, है ना? तो देखते हैं इस कहानी में क्या हुआ। इन दिस स्टोरी जॉर्डीज फादर हैज़ बीन बिटन बाय अ रैटल स्नेक। इस कहानी में जॉर्डी नाम का जो बच्चा है, उसके पिताजी को एक बहुत ही जहरीले सांप ने काट लिया था। He quickly kills a doe and uses its heart and liver to draw out the poison. और फिर उन्होंने क्या किया, जल्दी से एक डो मतलब हिरनी को मार दिया और उसका दिल और लीवर का इस्तेमाल करके अपने शरीर में जो उनके पॉइजन फैल रहा था उस स्नेक को काटने से उसको निकालने की कोशिश करी। बच्चों, उनके यहाँ पे कोई ऐसी होम रेमेडी होगी कि अगर कोई जहरीला सांप काट लेता है तो हिरनी का अगर दिल या लीवर का इस्तेमाल करके आप उसके पॉइजन से मुक्ति पा सकते हो। तो उसके पापा को भी, जब जॉर्डी के फादर को भी जब एक रैटल स्नेक ने काटा, तो वो डॉक्टर के पास भागने के बजाय उन्होंने जल्दी से एक हिरनी को मारा और उसके दिल और लीवर की मदद से अपने शरीर का पॉइजन निकाला। जॉर्डी वंडर्स व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फॉन लेफ्ट विदाउट अ मदर। और फिर जॉर्डी जो है वो सोचने में पड़ जाता है, हैरान हो जाता है कि अब उस छोटे से लिटिल फॉन का क्या होगा। फॉन मतलब, बच्चों मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको, कि हिरनी के बच्चे को कहते हैं। तो उसका, जॉर्डी के दिमाग में बात गूंजती रहती है कि अब वो छोटे से हिरनी के बच्चे का क्या होगा अपनी माँ के बिना। तो चलिए बच्चों, पार्ट वन कहानी का स्टार्ट करते हैं। जॉर्डी अलाउड हिज थॉट टू ड्रिफ्ट बैक टू द फॉन, ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड। तो जॉर्डी जो है, उसके जो ख्याल हैं उसमें बार बार वो जो फॉन था, हिरन का बच्चा था, वो बार बार उसके ख्यालों में आ रहा था और वो चाह करके भी अपना जो दिमाग है वो उससे अलग नहीं हटा पा रहा था। बच्चों, ड्रिफ्ट बैक टू का मतलब होता है गो बैक टू, मतलब हम किसी याददाश्त में बार बार पीछे जाते रहते हैं ना, किसी चीज़ को बार बार सोचते रहते हैं, तो उसको ही कहते हैं ड्रिफ्टिंग बैक टू या फिर ड्रिफ्ट बैक टू। तो उसका जो दिमाग था, उसके जो थॉट थे, वो बार बार उस फोन के पास, उस हिरनी के बच्चे के पास जा रहे थे और वो सोच रहा था कि उस बच्चे का क्या हुआ होगा। ही हैड हेल्ड इट इन हिज ड्रीम इन हिज आर्म्स, ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड ही वेंट टू हिज फादर्स बेड साइड। वो अपने सपनों में उस हिरनी के बच्चे को अपनी आर्म्स में महसूस करता है, अपनी बाहों में महसूस करता है, और फिर जब वो सपना देख रहा होता है तो वो टेबल पर से गिर जाता है और जा करके अपने पापा के पास, बेड के पास जा करके बैठ जाता है। पैनी ले एट रेस्ट, जो उसके पापा हैं पैनी, वो वहाँ पे रेस्ट कर रहे होते हैं क्योंकि उनको अभी स्नेक ने काटा था ना, तो वो बेड के पास रेस्ट कर रहे हैं बेड पे। हिज आइज़ वर ओपन एंड क्लियर, उसकी आंखें जो हैं वो खुली हुई हैं और साफ हैं। बट द पीपल वर स्टिल डार्क एंड डिलेटेड, लेकिन जो पुतलियाँ हैं आँखों की वो अभी भी डार्क हैं और एनलार्ज हैं, खुली, बहुत ही चौड़ी हो रखी हैं। जॉर्डी सेड हाउ आर यू फीलिंग पा, वो अपने पापा से पूछता है, जैसे हम पूछते हैं ना कोई चीज़ प्यार से, तो ऐसे अपने प्यार से अपने पापा से पूछता है कि आप कैसा फील कर रहे हो पापा। जस्ट फाइन सन, ओल्ड डेथ हैज़ गॉन थ्राइविंग एल्सवेयर। तो कह रहे हैं कि वो, उसका पापा कहता है
पैनी कहते हैं कि अब मैं फाइन हूँ बेटा, और जो देखो जो मौत थी वो अब दूर जा चुकी है, बट वॉजन डिट अ क्लोज सेव। पर क्या यह है एक नैरो स्केप नहीं था बच्चों? क्लोज सेव का मतलब होता है नैरो स्केप, मतलब क्या मैं बाल बाल नहीं बचा? वैसे करके बोलते हैं कि अब तो मौत जो है वो दूर जा चुकी है मुझसे, लेकिन ये मेरे लिए एक बाल बाल बचने वाली बात थी ना, तो आई एग्री। पैनी कह वो जो जॉडी है वो कहता है कि हाँ मैं एग्री करता हूँ इस बात से। आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड वट वी नीडेड। तो कहते हैं कि मुझे वो पैनी बोलता है जॉडी से कि मुझे तुम पर गर्व है बेटे, जिस तरीके से तुमने अपने दिमाग को शांत रखा, अपने सर को शांत रखा, और जो भी चाहिए था हमें उस समय वो किया। तो जब वो उसके पापा को, जॉडी के पापा को जब उसने रैटल स्नेक ने काटा था तो वो जॉडी वहीं पर था, तो उसके पापा उसको कह रहे हैं कि मुझे आप पर बहुत ही प्राउड है बेटा कि आपने उस समय अपना धैर्य नहीं खोया और मेरी जो भी पॉसिबल मदद थी वो करी आपने। पा, यस सन। तो वो बेटा अपने पापा से बोलता है पा, मतलब ऐसे करके बुलाता है अपने पापा को। तो पापा कहते हैं हाँ बेटा। पा, डोंट यू रिकलेक्ट द डो एंड द फॉन? तो कहते हैं कि पापा क्या आपको वो डो और वो फॉन यानी कि वो हिन्नी और वो बच्चा याद है? तो कहते हैं आई कैन नेवर फॉरगेट देम। तो उसके पापा कहते हैं हाँ मैं उनको कभी नहीं भूल सकता। पुअर डो सेव्ड मी दैट सर्टेन। तो कहते हैं कि उस हिन्नी ने ही तो मेरी जान बचाई है, क्योंकि उसको मार करके जो दिल और लीवर था उसकी हेल्प से तो उसका जहर निकला था ना। तो कहता है कि हाँ उसकी वजह से तो मेरी जान बची है। पा, द फॉन मे बी आउट देयर येट, इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केर्ड। तो कहता है वो जॉडी कहता है अपने पापा से कि वो जो फॉन है, जो हिरनी का बच्चा है, वो अभी भी वहीं पर होगा और वो भूखा भी होगा और डरा हुआ भी होगा, आई सपोज सो। तो पापा भी कहते हैं कि हाँ मुझे भी लगता है। तो बेटा बोलता है पा, आई एम अ बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क। पापा, अब मैं एक बड़ा बच्चा हो गया हूँ और मुझे अब दूध पीने की भी ज़रूरत नहीं है। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड द फोन? क्यों मैं क्या वहाँ जा कर के उस हिन्नी के बच्चे को पा ले करके आ सकता हूँ? मतलब वो अपने आप को, जैसे हम किसी चीज़ को मनाने के लिए अपने पेरेंट्स को बोलते हैं ना कि नहीं अब हम बड़े हो गए, हम ये काम कर सकते हैं, हम घर में अकेले बाहर जा सकते हैं पार्टी करने के लिए अपने दोस्तों के साथ, तो ऐसे वो भी बोलता है कि मैं बड़ा बच्चा हो गया हूँ और मैं दूध भी नहीं पीता, अब तो मुझे दूध की भी ज़रूरत नहीं है, क्या मैं जा कर के उस हिन्नी के बच्चे को खुद ले कर के आ सकता हूँ? नो आई एंड ब्रिंग इट हेयर, और यहाँ ले आऊँ उसे एंड रेज इट, और फिर हम उसको बड़ा करेंगे। तो पैनी ले क्वाइट, जो उसका पापा है वो लेटा रहता है आराम से स्टेयरिंग एट द सीलिंग, और वो छत को निहारता रहता है बस चुपचाप। बॉय, यू हैव गॉट मी हेम्ड इन। तो कहते हैं कि बेटा तुमने तो मुझे बहुत ही दुविधा में डाल दिया है। हेम्ड इन का मतलब होता है कॉट इन द सिचुएशन वेयर वन कैन से नो, ऐसे सिचुएशन में डालना जिसमें एक इंसान ना कह ही नहीं सकता। मतलब उसने इस तरीके से बोला कि देखो वो हिन्नी और आपको हिन्नी का बच्चा याद है, देखो आपने तो उसकी मम्मा को मार दिया है ना, अब वो बच्चा वहीं पर होगा और बेचारी को भूख भी लग रही होगी और वो डरा हुआ भी होगा, तो क्यों ना हम उसे वो यहाँ लेकर के आ जाए और उसको बड़ा करें। तो इस तरीके से जब वो बातों को घुमा फिरा करके बोलता है तो उसके पापा बोलते हैं कि बेटा तुमने तो मुझे दुविधा में डाल दिया। इट वॉन्ट टेक मच टू रेज इट पा, इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड एक्रॉन्स। तो कहते हैं कि पापा उसको बड़ा करने में तो ज़्यादा पैसे वैसे में भी नहीं लगेंगे है ना, और अब जल्दी ही वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा और फिर वो पत्तियाँ वत्तियाँ और जो स्मॉल ब्राउन नट्स होते हैं ना वो खुद ही खाने लग जाएगा, तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ना ही ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। तो उसके पापा कहते हैं यू आर स्मार्टर देन बॉयज़ ऑफ योर एज, तुम अपनी उम्र के लड़कों से तो ज़्यादा ही स्मार्ट हो, समझदार हो। वी टुक इट मदर एंड इट वॉजन टू बी ब्लेम। तो कह रहे हैं कि उसके पापा कहते हैं हाँ हमने उसकी माँ को ये जान ले ली है और अब उसको अकेला छोड़ना और इस तरीके से अकेला रहने देना है ना, भूखा मरने देना और डरा हुआ रहने देना, ये तो सही नहीं रहेगा। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार, और ये तो बहुत ही बुरा होगा, अनग्रेटफुल होगा कि हम उस बच्चे को भूखा मरने दें। सन, आई कांट से नो टू यू। बेटा मैं तुम्हें मना तो नहीं कर सकता, ना तो नहीं कह सकता। आई नेवर थॉट आई वुड लीव टू सी अनदर डे। जब मुझे सांप ने काटा था तो मुझे तो ऐसा लग भी नहीं रहा था कि मैं एक और दिन एक्स्ट्रा देख पाऊँगा। उस समय तो बस वो हिरनी आई और उसने अपनी जान दे करके मेरी जान बचा ली, और अब हम उसके बच्चे को भूखा तो नहीं छोड़ सकते हैं। तो हाँ जो तुम कह रहे हो मैं उस बात से एग्री तो हूँ, मैं तुम्हें ना तो नहीं कह सकता। कैन आई राइड बैक विद मिलविल एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट।
तो वो कहता है कि क्या मैं फिर मिलविल के साथ वहाँ जाऊँ और देखूँ कि क्या वो मुझे मिल सकता है। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो। तो उसके पापा कहते हैं ठीक है, और अपनी मम्मी को बोल देना कि मैंने बोला है कि तुम जा सकते हो। ही सिडल बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन। हिज मदर वॉज पोरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन। तो वो चुपचाप जा कर के टेबल पे बैठ जाता है। सिडल बैक का मतलब होता है बच्चों इस तरीके से जा कर के कहीं पर भी रुक जाना, ठहर जाना या बैठ जाना, जिससे कि ना मतलब नोटिस ना हो। तो वो चुपचाप जा कर के टेबल पे बैठ जाता है। उसकी मम्मी जो है वो ना कॉफ़ी डाल रही होती है कप में से, जग में से कॉफ़ी कप में डाल रही होती है सबके लिए। ही सेड माँ, वो कहता है मम्मा पास से आई कैन गो ब्रिंग बैक द फोन। मैं जा कर के वो जो छोटा सा हिरन का बच्चा है उसको ला सकता हूँ, पापा ने ऐसा कहा है, वो अपनी मम्मी को बोलता है। सी हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन मिड एयर। और उसकी मम्मी जो है जब उसकी बात सुनती हैं तो उसका जो कॉफ़ी पॉट है वो हाथ में हवा में ही रुका रह जाता है, मतलब वो कॉफ़ी जो डालना है वो रुक जाता है उनका। व्हाट फॉन, मतलब क्या हिरन का बच्चा। द फॉन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड। तो कहते हैं अरे वो हिरन का बच्चा जिसकी माँ को उन्हें मार दिया है। वी यूज द डोज लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा। हमने उसी हिरनी का जो लीवर है उसी का तो इस्तेमाल किया था पापा का पॉइजन निकालने के लिए और पापा को बचाने के लिए। शी गैस्प्ड। वो जो है वो ना एकदम ही बचक्की रह जाती हैं, हैरान हो जाती हैं कि अरे वेल द पेटी शेक। कहते हैं हाँ ये तो बहुत बुरा हुआ। पास ए इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। फिर बच्चा कहता है कि पापा कह रहे हैं कि ये तो बहुत ही अनग्रेटफुल होगा, हम बहुत ही ऐसे इंसान होंगे, स्वार्थी से इंसान होंगे जो कि उसके बच्चे को भूखा मरने के लिए छोड़ देंगे। डॉक विलिंसन सेड। वहाँ पे डॉक विलिंसन, डॉक्टर विलिंसन भी बैठे होते हैं। वो कहते हैं दैट्स राइट, आप सही कह रहे हैं। बोलता है कि मैम ये लोग तो सही कह रहे हैं। नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री। इस संसार में कोई भी चीज़ जो है वो मुफ्त में नहीं मिलती है। द बॉय इज़ राइट एंड हिज डैडी इज़ राइट। ये लड़का भी सही कह रहा है और इसके पापा भी सही कह रहे हैं। मतलब डॉक्टर कहता है कि हाँ सही बोल रही हैं बच्चे, उस हिरन के बच्चे को तो भूखा अकेला जंगल में छोड़ना अच्छी बात नहीं है। उनके उसकी माँ ने आपके पति की जान बचाई है और ये चीज़ तो फ्री में नहीं आती है, तो आपको उनकी मदद करनी चाहिए, उस बच्चे की, उस फोन की मदद करनी चाहिए, और आपका बेटा और पति ये बात सही कह रहे हैं। मिलविल सेड। जो मिलविल है वो भी वहाँ पे बैठा होता है। वो कहता है ही कैन राइड बैक विद मी, आई विल हेल्प हिम फाइंड इट। वो कहते हैं कि ये मेरे साथ जा सकता है, मैं लेकर के इसको वहाँ पे जाऊँगा, घोड़े पर बिठा करके वहाँ पे लेके जाऊँगा, और फिर ये मैं उसकी मदद भी करूँगा उस हिरन के बच्चे को ढूंढने में। सी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली। वो जो है पॉट को, जो चाय का पॉट है उसको बिल्कुल एकदम असहाय होकर के, असमंजस में होकर के टेबल पे रख देती है, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा होता कि सब लोग तो हाँ 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 कह रहे हैं और उसे भी वो बात सही रख रही होती है। तो वो हेल्पलेस होकर के पॉट को रखती है, फिर कहती है वेल इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। करें कि अगर तुम उसको अपना पूरा दूध दे दोगे तो फिर और हम उसको क्या खिलाएंगे। वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। हमारे पास और कुछ है ही नहीं उसको देने के लिए। तो मिलविल कहता है सेड कम ऑन बॉय वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग। कि बेटा आ जाओ, हम राइडिंग के लिए तैयार हैं, क्योंकि मिलविल अब तक बाहर जा चुका है घोड़ा लेकर के। बहुत माँ बैक्स्टर आस्क्स एंग्जियसली यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग। तो जो उसकी माँ है उसका नाम बैक्स्टर है, वो बहुत ही चिंतित होकर के उसको बोलती हैं, लड़के को बोलती हैं कि नहीं लेकिन तुम्हें ज़्यादा दूर तक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसी जंगल में तो उसके पापा को सांप ने भी काटा है। तो उसकी माँ थोड़े से चिंतित हो जाती है और वो बोलती है कि नहीं तुम्हें ज़्यादा दूर तक वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। तो जॉडी जो वो कहता है कि आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर। अरे मैं तो डिनर तक ना वापस आ जाऊँगा, पक्का वापस आ जाऊँगा, ऐसे कह के वो जॉडी वहाँ से चला जाता है। तो मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जॉडी अप बिहाइंड हिम। तो जो मिलविल है वो ना घोड़े पे चढ़ जाता है और जॉडी को भी हाथ पकड़ के ऊपर अपने पीछे बिठा लेता है। ही सेड टू मिलविल डू यू थिंक द फोन इज स्टिल देयर। तो फिर वो जो जॉडी है वो ना जब जा रहा होता रास्ते में तो मिलविल से पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि जो फोन है वो वहाँ पर अभी भी होगा। विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, क्या तुम मेरी मदद करोगे उसको ढूंढने में, क्योंकि अब उसको थोड़ी सी चिंता है कि अभी वहाँ पे तो उसकी माँ को मारा था तो शायद वो डर करके इधर उधर कहीं चला गया होगा जंगल में, और मैं जा तो रहा हूँ उसे ढूंढने के लिए लेकिन क्या पता वो वहाँ ना हो। तो वो मिलविल से पूछता है कि क्या अगर वो वहाँ पर नहीं होगा तो फिर आप मेरी मदद करोगे उसको इधर उधर ढूंढने में। तो देखो वो कहता है वी विल फाइंड हिम इफ़ ही इज़ अलाइव। तो कहते हैं कि हम लोग उसको ढूंढ लेंगे अगर वो ज़िंदा है। तो फिर ना बैक्स्टर उससे पूछता है कि तुमको कैसे पता कि वो लड़का है।
The spots were all in a line on a door phone. पासे द स्पॉट्स वर एवरी विच वे. तो कहता है कि मेरे पापा ने मुझे बताया था कि अगर वो जो फोन है, अगर वो लड़का है तो उसमें सारी जो स्पॉट्स होते हैं वो एक लाइन में होते हैं, और अगर वो हिरन का बच्चा जो है वो अगर एक लड़की है तो उसके जो स्पॉट्स हैं वो अलग अलग डायरेक्शंस में फैले रहेंगे. कि मतलब अगर वो लड़का होगा तो उसमें सीधे लाइन्स में होंगे, और अगर वो हिरन का बच्चा है यानी कि हिरनी है तो फिर क्या बोलते हैं वो अलग अलग डायरेक्शंस में फैले होंगे, ऐसा पानी मुझे बताया था. तो आई होप बच्चों आपको पार्ट वन समझ में आ गया होगा. इसमें क्या होता है अभी तक कहानी में कि एक जॉडी नाम का लड़का होता है, उसके पिताजी को एक बार एक स्नेक काट लेता है, तो उसके पापा डॉक्टर के पास जाने के बजाय एक हिरनी को मार करके उसके लीवर की हेल्प से अपना जहर निकाल लेते हैं, और वो बच्चा जो है वो हिरन के बच्चे के बारे में सोचता रहता है कि उसका क्या हुआ होगा, वो भूखा होगा, डरा हुआ होगा. फिर अपने पापा मम्मी को कैसे भी करके मना करके उनकी परमिशन के साथ जंगल में जाता है उस हिरन के बच्चे को ढूंढने के लिए. तो वो मिलविल नाम के एक व्यक्ति के साथ घोड़े पे बैठ करके अपने मम्मी पापा की परमिशन से जंगल में उस हिरन के बच्चे को ढूंढने जाता है, क्योंकि अब वो उसको अपने घर ला करके बड़ा करेगा. तो बच्चों आई होप आपको पार्ट वन समझ में आ गया होगा. पार्ट टू पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या उसको वो हिरन का बच्चा वहाँ मिलता है जंगल में या नहीं मिलता. Jody gave himself over to thought of Fawn. They passed the Abaddon clearly. तो जो जॉडी है, तो इतने दिनों से और इतने समय से जो जॉडी के मन में विचार थे, जो थॉट्स थे, अब वो उन सबको छोड़ करके, उनसे सबसे ऊपर उठ करके वो सिर्फ अब अपना पाथ क्लियर करते हुए सीधे जाना चाहता था, आगे बढ़ते हुए जाना चाहता था, क्योंकि अब वो बस हिरन के बच्चे को पा लेना चाहता था. He said, "Cut to the north, Millvale." वो कहता है कि नॉर्थ की तरफ चलो Millvale. It was up here that Pa got bitten by the snake and killed the doe and I saw the fawn. कह रहे कि वो वहीं था, वो उसी जगह पर जहाँ पे पापा को एक स्नेक ने काटा था, फिर उन्होंने एक हिरनी को मारा और मैंने वहाँ पे हिरनी का बच्चा देखा. सडनली जॉडी वॉज अनविलिंग टू हैव Millvale विद हिम. अब अचानक से ना, जब वो जैसे जैसे लोकेशन के पास पहुँचता जाता है तो जॉडी ना बहुत ही अनविलिंग हो जाता है कि Millvale को देख करके, मतलब उसे लगता है कि Millvale का यहाँ पे होना नहीं चाहिए था, क्योंकि उसे अब Millvale की प्रेजेंस अच्छी नहीं लग रही है. इफ़ फॉन वॉज डेड और कुड नॉट बी फाउंड, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन. तो वो, क्योंकि अगर फोन वहाँ पे नहीं है या मर गया है, तो वो जो डिसअपॉइंटमेंट होगी जॉडी को उसके ना मिलने की या उसके खो जाने की, तो वो नहीं चाहता कि कोई उसे देखे, Millvale भी उसे देखे, कोई भी क्यों देखे उसे. एंड इफ़ द फोन वॉज देयर द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट डैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट. और अगर वहाँ पे फोन है और उसको मिल जाता है तो वो मीटिंग जो होगी जॉडी की और उस फोन की, वो इतनी प्यारी होगी, इतनी सीक्रेट होगी कि वो उसको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता. वो नहीं चाहता कि कोई और उसकी और फोन की जो पहली मुलाकात है उसको देखे. वो उस मीटिंग को सीक्रेट रखना चाहता है, और अगर इनकेस फोन वहाँ नहीं है तो उसकी जो डिसअपॉइंटमेंट है वो नहीं चाहता कि उसे भी कोई देखे. ही सेड, It is not far now, but the scrub is very thick for the horse. I can make it to on foot. तो कहता है कि अब ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन ये जो झाड़ियाँ हैं बच्चों, वो Millvale को कहता है जॉडी, ये ना बहुत ही थिक है और आपका घोड़ा जो है वो इसमें से जा नहीं सकता. अब मैं सोचता हूँ कि मैं खुद ही अपने पैरों से यहाँ से चला जाता हूँ आगे. तो वो इस तरीके से Millvale को बहाना दे करके चाहता है कि वो वहाँ से चला जाए Millvale, ताकि उसकी और फोन के बीच की जो सीक्रेट मीटिंग है उसको कोई ना देख पाए, है ना. तो बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बिटन बाय द स्नेक टू. लेकिन Millvale जो है वो कहता है कि मुझे आपको अकेला छोड़ने में डर लग रहा है, मैं नहीं चाहता कि आप कहीं खो जाओ या आपको कोई खुद ही एक कोई सांप काट ले तो फिर क्या होगा. इस तरीके से Millvale ना कहता है कि नहीं, मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकता. तो फिर जॉडी क्या कहता है, आई विल टेक केयर, इट माई टेक मी लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फोन इफ़ ही वेंडर्ड. तो कहते हैं कि अरे मैं तो अपना ख्याल रख लूँगा, और हो सकता है कि अगर वो हिरन का बच्चा जो है वो इधर उधर चला गया होगा तो मुझे थोड़ा सा समय भी लग जाए, है ना. तो मतलब आप क्यों अपना समय व्यर्थ करोगे, मैं खुद ही ढूंढ लूँगा और मैं लेकर के आ जाऊँगा. तो वो इस तरीके से उसको बार बार बहाने देता रहता है. लीव मी ऑफ राइट हेयर, तो कहते जॉडी कहता है उसको Millvale को कि मुझे यहीं पर आप छोड़ दो.
ऑल राइट बट यू टेक इट ईजी नाउ, यू नो नॉर्थ हेयर एंड ईस्ट हेयर। तो फिर मिलविल भी कहता है चलो ठीक है, अब तुम यहाँ से खुद ही अगर अकेले जाना चाहते हो तो तुम्हें पता है ना कि नॉर्थ इधर है और ईस्ट इधर है, मतलब वो उसको डायरेक्शंस बताता है कि कैसे कैसे घर आना है ना। देर एंड देयर दैट टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग, तो मतलब उसको पाइन के जो पेड़ है ना उससे निशानी लगवाता है कि यहाँ से ये डायरेक्शन है, यहाँ से ऐसे जाना है ना। वो उसको मिलविल बता देता है जॉडी को रास्ता। फिर क्या होता है, सो लॉन्ग मिलविल आई एम ऑब्लिग, तो कहते हैं कि हाँ शुक्रिया शुक्रिया मिलविल, मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ, जॉडी उसको बोलता है ताकि वो जल्दी से चला जाए। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ हूव्स टू एंड देन कट टू द राइट। तो वो थोड़ी देर ना जब वो मिलविल वहाँ से जाता है तो थोड़ी देर तक ना वो जो घोड़े के पैरों की आवाज़ है उसके ख़त्म होने का इंतज़ार करता है कि मतलब वो चला गया, वाकई में मिलविल वहाँ से चला जाए तब तक के लिए वो इंतज़ार करता है। जब वो मिलविल की उसको पता चल जाता है कि चला गया क्योंकि अब घोड़े की आवाज़ नहीं आ रही है, तो वो राइट की तरफ कट लेता है, राइट डायरेक्शन में चला जाता है। द स्क्रब वॉज स्टिल, तो वो जो स्क्रब्स थी वहाँ पे जो झाड़ियाँ थी वो वहाँ पर बहुत ही भयानक मतलब तरीके से झाड़ियाँ जो थी वो खड़ी हुई थी। ओनली हिज ऑन क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स साउंड्स अक्रॉस द साइलेंस, तो वहाँ पे सिर्फ उसके खुद के पैरों की जो आवाज़ें आ रही थी बस उस साइलेंस में, बस उसके खुद के पैरों की आवाज़ थी और किसी चीज़ की आवाज़ नहीं थी, जो क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स था और उसकी खुद की आवाज़ बस वही आ रही थी, जो झाड़ियाँ हटाते हुए जैसे वो चल रहा था, जैसे वो पैरों की आवाज़ कर रहा था, सिर्फ वो इतना शांत वो जंगल था। ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट इफ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन, फिर उसको थोड़े से समय के लिए ऐसा लगता है कहीं उसने डायरेक्शन जो है वो गलत तो नहीं चुन ली है, मतलब क्या पता वो गलत डायरेक्शन की तरफ आ गया हो, सकता है दूसरे डायरेक्शन में जॉर्डी का जो फॉन है वो जिसे ढूंढने आया वो दूसरी डायरेक्शन में हो। देन द बजर्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम एंड फ्लैप्ड इन टू द एयर, फिर तभी ना जब तक वो सोच ही रहा होता है और डायरेक्शन ढूंढ रहा होता है तब तक एक ना बजर्ड, एक ना लार्ज तरीके का वल्चर लाइक बच्चों फ्लैश ईटिंग डेड एनिमल को खाने वाला एक बर्ड होता है, मतलब चील की तरह एक जान बर्ड होता है जो कि मरे हुए जानवरों का मांस वास खाता है। ठीक है, तब तक ना अचानक से एक बजर्ड आता है और वो अपने पंखों को हवा में फहराता हुआ उसके सामने से निकलता है। ही केम इन टू द क्लियरिंग अंडर द ओक, वो आया कहाँ से था, वो ओक के पेड़ों के वहाँ से आया था, ओट से आया था। ओक आपको मैंने पहले भी बता रखा है क्योंकि ओक एक लकड़ी होती है, एक पेड़ होता है जिसकी लकड़ियों से फर्नीचर वगैरह बनाया जाता है। तो वहाँ से वो जो वल्चर है, वल्चर जैसा जो बर्ड है वो आया था। बजर्ड सेट इन सर्कल अराउंड द कारकेसेस ऑफ डो, तो जो वो होता है बहुत सारे बजर्ड्स होते हैं, बहुत सारे जो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होते हैं वो उस डो उस हिरनी के लाश के पास जो है वहाँ पे जमा होते हैं सर्कल बना के, वो उसको खा रहे होते हैं क्योंकि वो फ्लैश ईटिंग एनिमल होते हैं ना, तो वो उसके मांस को खा रहे होते हैं। दे टर्न देयर हैड ऑन देयर लॉन्ग स्क्वेयर नेक एंड हिज डेट हिम, तो जब वो देखते हैं कि जॉडी आ गया तो वो ना अपने जो ड्रावने सी नेक है ना उसको ना उसकी तरफ देख करके, जॉडी की तरफ देख करके हिस एक आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं। ही थ्रो हिज बो एट हिम एंड दे फ्लू इन टू एन एडजस्टेंट रे, फिर वो जो जॉडी है वो उनके ऊपर एक बाढ़ सा फेंकता है, एक कुछ लकड़ी वकड़ी कुछ चीज़ से ना वो निशाना लगा करके उनके तरफ फेंकता है, तो क्या होता है जो सारे बर्ड्स होते हैं सारे बर्ड्स होते हैं वो जा कर के बगल वाले पेड़ पर एडजस्टेंट ट्री पर जो भी आसपास के पेड़ हैं उस पर जा कर के बैठ जाते हैं, उड़ करके बैठ जाते हैं। द साउंड शोर्ड लार्ज कैट प्रिंट्स बट द बिग कैट स्किल्ड फ्रेश एंड दे हैड लेफ्ट द डो इन टू द कैरियन बर्ड्स, वहाँ पे उसको ना फिर वो ज़मीन में देखता है तो वहाँ पे ना बड़ी बड़ी बिल्लियों के पैर के निशान दिखते हैं। मतलब बच्चों आपको पता होगा ना कि कैट जो लॉयन होते हैं टाइगर होते हैं वो भी कैट की कैटेगरी में ही आते हैं, तो वहाँ पे मतलब उन्हें उसे शेर के और टाइगर के पैरों के निशान दिखते हैं। और लेकिन वो लोग तो जो होते हैं वो लोग खुद ही फ्रेश किल्ड एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, वो लोग जो टाइगर होता है लॉयन होता है वो मरे हुए जानवर पहले से किसी ने मार रखा है ऐसे जानवरों का फ्लैश नहीं खाते ना, वो खुद मार करके खाते हैं। तो उन लोगों ने जो उसका डो का जो बॉडी था वो ना इन बर्ड्स के लिए ऐसे फ्लैश ईटिंग बर्ड्स के लिए छोड़ दिया होता है। ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फॉन, तो फिर वो क्या करता है वहाँ पे जो घास थी वहाँ पे जो झाड़ियाँ थी उन पे थोड़ा सा रास्ता बनाते हुए जाता है जहाँ पे उसने उस फॉन को उस हिरन के बच्चे को देखा था, वो वहाँ उस तरफ डायरेक्शन में चला जाता है। इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली यस्टरडे,
और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये सिर्फ कल की बात है। कल ही तो उसके पापा को सांप ने काटा था और फिर उन्होंने एक डॉग को मारा था और वहाँ पे उसने फोन देखा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये कल की बात है। ऐसा क्यों नहीं लग रहा था, देखते हैं आगे। द फोन वॉज नॉट देयर, ही सर्कल्ड द क्लियरिंग। वो वहाँ पे क्योंकि फोन नहीं था, जो हिरन का बच्चा है वो वहाँ नहीं था, और देर वॉज नो साउंड नो साइन, और वहाँ पे किसी तरीके की कोई आवाज़ नहीं थी, कोई ऐसा साइन नहीं था कि वहाँ पे पता चले कि वहाँ पे फोन था या नहीं है, है ना। द बजर्ड्स क्लैक्ड देयर विंग्स, और जो वहाँ पे जो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स थे वो लोग भी अब अपने पंख फड़फड़ा रहे थे, इम्पेशेंस टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, क्योंकि उन्हें इम्पेशेंस हो रहा था, मतलब वो चाहते थे कि जल्दी से ये जॉडी जो है वहाँ से जाए और वो लोग जो अपना काम कर रहे थे यानी कि जो डो का मांस खा रहे थे वो कंटिन्यू करें, है ना, क्योंकि जॉडी की प्रेजेंस की वजह से वो लोग नीचे नहीं उतर कर आ पा रहे थे और फ्लैश नहीं खा पा रहे थे। तो वो लोग अपने विंग्स को क्लैकल्ड करने लगते हैं, फड़फड़ाने लगते हैं ताकि वो जॉडी वहाँ से चला जाए। He returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all four, stirring the sand for the small hoof print. The night rain had washed all away all tracks except those of cats and buzzards. तो वो ना कोशिश करता है वहाँ पे ज़मीन पर ना कि उस फॉन के पैरों के निशान को ढूंढे, वहाँ पे कहीं छोटे से उसके पैरों के निशान दिख जाएं, लेकिन क्योंकि रात में जो बारिश हुई थी उसकी वजह से वहाँ पे जो भी प्रिंट्स थे कल के इन लोगों के प्रिंट्स, इनके इसके पापा के प्रिंट्स और वो डो के और फॉन के जो भी फुटप्रिंट्स थे वो मिट चुके थे बारिश की वजह से। सिर्फ वहाँ पर वो जो बिल्लियाँ आई थी और जो बजर्ड्स आए थे उनके ही पैरों के निशान थे। यहाँ पे कैट बच्चों अगेन वही लॉयन और टाइगर को कहा गया है, जो लॉयन और टाइगर्स आए थे और जो वो बर्ड आया था आए हुए हैं, है ना, सिर्फ उनके पैरों के निशान थे और किसी के पैरों के निशान नहीं थे क्योंकि रात की बारिश की वजह से वो जा चुके थे। तो यहाँ पे पार्ट 1-2 भी हमारा ख़त्म हो जाता है। अब देखते हैं पार्ट 3 पढ़ करके कि क्या उसे वो फोन मिल पाता है या फिर उसे अकेले ही घर जाना पड़ेगा। Woman directly in front of him startled him so that he tumbled backward. तो बच्चों startled का मतलब होता है चौंक जाना, एकदम से घबरा जाना, और tumbled का मतलब होता है गिर जाना, लड़खड़ाना मतलब, है ना। तो वो जो चौड़ी है ना वो एकदम से ना घबरा जाता है, चौंक जाता है कि किस चीज़ की आवाज़ आती है उसे, वो चौंक जाता है घबरा जाता है, जिसकी वजह से वो ना लड़खड़ा करके पीछे की तरफ गिर जाता है। और जब वो गिरा हुआ है उसका फेस ऊपर की तरफ है आसमान में, तो क्या होता है देखिए, द फॉन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज। तो ऊपर ना जब वो आसमान की तरफ ऐसे गिरा हुआ है उसका फेस ऊपर है, तो देखता है कि ऊपर से ना फॉन जो है वो झांक रहा है उसके फेस पर, देख रहा है जो वहाँ पे हिरन का बच्चा है वो आ गया है। इट टर्नड हिज हेड विद वाइड वंडरिंग मोशन एंड शुक हिम थ्रू विद द स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विड आइज। और जो हिरन का बच्चा है उसने अपना सर घुमाता है, एकदम से उसको देखता है और वो ना बड़ी अलग से आश्चर्य वाली मोशंस करता है, मूवमेंट करता है, और ना और वो ना बिल्कुल ही स्टेयर मतलब घूर रहा होता है जॉडी को, किस तरीके से अपनी भरी हुई आंखों से, पानी भरी हुई आंखों से, मतलब वो रोया होगा ना अपनी माँ के चले जाने की वजह से, तो वो जो उसकी आंसू वाली आँखें हैं वो उससे ना जॉडी को देख रहा है, अपना सर हिला रहा है और अजीब सा मोशन कर रहा है जैसे कि वो डर भी नहीं रहा जॉडी से। इट वॉज क्वेरिंग, क्वेरिंग का मतलब होता है शेकिंग स्लाइटली, थोड़ा सा घबराना, है ना। तो वो ना क्योंकि उसकी मम्मा की मौत हो चुकी है तो फिर वो ना उस थोड़ा सा घबराया हुआ भी है। इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन, और वो जॉडी को देख करके बिल्कुल भी घबरा के भाग नहीं रहा है कि उठ करके वहाँ से भाग जाए। जॉडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, और जॉडी को तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ऐसा कुछ हो रहा है, वो भी नहीं हिलता बिल्कुल ही। उसे लगता है, उसे तो लग रहा था शायद कि जॉडी को देख करके फोन जो है वो भाग जाएगा क्योंकि उसके डैडी ने उसके मम्मा को मार दिया है, लेकिन वो तो उसके पास खड़ा हुआ है और भाग नहीं रहा, तो जॉडी को यकीन ही नहीं होता। ही विस्पर्ड इट्स मी, और फिर जॉडी ना उसको बोलता है कि मैं हूँ, ऐसे बोलता है जैसे कि हिरन जो है वो उसकी भाषा समझता है, उसको जानता है, उसको पहचानता है, उसको बोलता है कि मैं हूँ, वो फोन को बोलता है जॉडी। द फोन लिफ्टेड हिज इट्स नोज सेंटिंग हिम, और फिर जो हिरन का बच्चा है वो ना अपनी नाक से जॉडी को सूंघने की कोशिश करता है, ऐसे कुत्ते जैसे सूंघते हैं ना पहचान लगाने के लिए, ऐसे वो उसको सूंघता है। ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक, और वो अपना हाथ जो है ना उसके सर पे, वो उसके गले पर रख देता है,
पूरा एंड द टच मेड हिम डेलीरियस, और जो उसने जो टच किया उस फोन ने उसको जॉडी को, वो बहुत ही एक्साइटेड था, एक्सट्रीमली एक्साइटेड था. ही मूव्ड बैकवर्ड ऑन ऑल फोर्स अनटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड इट, और वो बिल्कुल ही उसके पास आगे आता है बिल्कुल चारों पैरों से, और इतना पास आ जाता है कि बिल्कुल ही उससे चिपक जाता है. ही पुट हिज आर्म्स अराउंड हिज बॉडी, और वो अपने जो हाथ हैं जॉडी, वो क्या करता है उसकी बॉडी से पूरे से गले जैसे मिलते हैं ना उस तरीके से लपेट लेता है वो उसको, मतलब बिल्कुल ही गोद में उठा लेता है इस टाइप से. A light convulsion passed over it, but it did not stir. और फिर एक ना एकदम जैसे कांपने जैसा ना कपकपाहट दोनों में हो जाती है, बिल्कुल दोनों ना एकदम एक दूसरे से लिपट करके एकदम से कांप उठते हैं. ऐसा होता है जब वो जॉडी और वो डियर मिलते हैं, और यही मोमेंट था जो कि वो नहीं चाहता कि मिलविल देखे, और वो उसने मिलविल को इसीलिए ही हटा दिया था वहाँ. He stroked its sides as gently as though the fawn were a china deer and he might break it. और फिर वो जब उसको ले करके ना इस तरीके से जाता है, फ़ोन को लेकर के अपनी गोद में इस तरीके से उठा के ले जाता है जैसे कि वो ना एक चाइना डियर है, यानी कि वो जो मिट्टी का बना हुआ होता है ना, चाइना डियर जैसे चाइना डिशेज होती हैं उससे बना हुआ है वो, मिट्टी का बना हुआ डियर है, और वो हो सकता है कि अगर उसके हाथ से फिसला तो टूट जाएगा. इस तरीके से उसने उसको बड़े प्यार से, देखो इस पिक्चर में भी हम देख सकते हैं ना, उसने बड़े प्यार से उसको पकड़ा हुआ है कि उसको कहीं कुछ बुशेज वगैरह लग ना जाए और वो उसके हाथ से गिर करके टूट ना जाए. इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, और उसकी जो स्किन थी ना वो बहुत ही सॉफ्ट होती है. इट वॉज स्लीक एंड क्लीन एंड हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास, और वो जो उसकी स्किन है वो बहुत ही स्लीक सी है, पतली सी, स्मूदी और शाइनी है, और बहुत ही साफ है, और उसमें ना बहुत ही हल्की हल्की सी खुशबू आ रही है घासों की. He rose slowly and lifted the fawn from the ground. वो आराम से उठता है और फोन को अपने गोद में उठा लेता है ग्राउंड से. Its leg hung limply, और उसके जो पैर हैं ना वो एकदम ढीले ढीले से लटके हुए होते हैं, एकदम जैसे ना कि अब उसने डियर ने अपने आप को बिल्कुल ही जॉडी को समर्पित कर दिया और वो खुद ही उसकी गोद में उठ करके जाना चाहता है. इस तरीके से वो उसके पैर जो हैं वो लटके हुए होते हैं. They were surprisingly long and he had to hold the fawn as high as possible under his arm. जो उसके पैर थे वो बहुत ही लंबे थे, आपको पता होगा ना बच्चों के डियर के जो पैर होते हैं बहुत ही लंबे लंबे और पतले पतले से होते हैं, तो उसको जॉडी तो छोटा सा बच्चा ही है, तो उसे ना उसे बहुत ही ऊंचा उठाना पड़ रहा था ताकि उसके पैर जो है वो किसी चीज़ से टकराए नहीं. तो उसको अपनी गोद में ना वो जितना ऊँचा हो सकता था पॉसिबली उतना ऊँचा उठा रहा था ताकि वो किसी चीज़ से टकरा ना जाए. He was afraid that it might kick and bleed at sight and smell of its mother. उसे ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि वो ना जहाँ पे उसकी मम्मा मरी हैं वहाँ पे उसकी खुशबू जो है वो उसको सूंघ लेगा कहीं, और जॉडी में कहीं उसकी स्मेल उसको आ जाएगी और फिर वो वहाँ से कहीं भाग ना जाए, उसको डर लग रहा था जॉडी को. ही स्कर्टेड द क्लियरिंग एंड पुश्ड हिज वे फ्रॉम द थिकेस्ट, और वो ना जो आस पास का रास्ता था उसको साफ करता हुआ बिल्कुल ही, मतलब झाड़ियों वाड़ियों को धक्का देते हुए हटाते हुए उस घने झाड़ियों में से, घने जगहों में से रास्ता बनाते हुए जॉडी उस डियर को लेकर के चला जा रहा था. इट वॉज डिफ़िकल्ट टू फाइट थ्रू विद हिज बर्डन, और इस झाड़ियों से, एक तो इतनी घनी घनी झाड़ियाँ हैं ना देखो बच्चों, तो इसमें से एक इंसान के लिए निकलना इतना मुश्किल है, और वो भी छोटा बच्चा है तो उसके लिए तो और भी मुश्किल है कि कहीं कांटे वाटे ना चुभ जाए और झाड़ियों को हटा करके चलना. फिर उसने उस डियर को भी उठा रखा है, तो उस बर्डन के साथ जॉडी के लिए चलना ना थोड़ा सा और मुश्किल होता जा रहा था, और भी डिफ़िकल्ट होता जा रहा था कि उसके बर्डन को लेकर के किस तरीके से वहाँ से झाड़ियों से निकले. The fawn's leg caught in the bushes and he could not lift his own with freedom. और जब फॉन के जो पैर हैं अगर वो झाड़ियों में बुशेज में फंस भी जाते थे तो वो ना अपने आप से ना मेहनत करके हिम्मत करके वो उसको निकाल भी नहीं पाता था, मतलब डियर ने तो बिल्कुल अपने आप को जॉडी को समर्पित कर दिया था कि जहाँ मर्जी ले जाओ वाला सीन है ना, तो वो अपने आप से उसको बुशेज में से अपने पैर भी नहीं निकाल पा रहा था, इतने तरीके से उसने अपने आप को छोड़ दिया था जॉडी के ऊपर. He tried to shield his face from prickling vines. और जॉडी ना कोशिश कर रहा था कि कहीं उसके मुंह पर ना
कोई काटा वाटा ना चुभ जाए, कोई चुभने वाला काटा होता है ना, जैसे कि कोई शार्प वो नाइव डालियों में निकला होता है काटे, कहीं उसके फेस पे ना लग जाए। तो वो बिल्कुल कोशिश कर रहा था कि आराम से वो निकले उस बुशेज में, कि कहीं उसके पैर ना फंस जाएँ, कहीं उसे काटे ना लग जाएँ। इट्स हैड बॉब्ड विद हिज स्ट्राइड, हिज हार्ट थम्ड विद द मार्वल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम। और जो जॉडी का दिल था वो ना जोरों से धड़क रहा था, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि फ़ौन ने उसे किस तरीके से एक्सेप्ट कर लिया है। उसके पिता ने तो, जॉडी के पिता ने तो उस फ़ौन की मम्मा को मारा है ना, फिर भी उस जॉडी को उसने, डियर ने इस तरीके से एक्सेप्ट कर लिया। ये सोच करके जॉडी का दिल ना बहुत ही धड़क रहा था ज़ोर से। ही रीच्ड द ट्रायल एंड वॉक्ड एज फास्ट एज ही कुड अंटिल ही केम टू द इंटरसेक्शन विद द रोड होम। फिर वो ना चलता जाता है उस निशान तक, जब तक कि ना वो जो इंटरसेक्शन है रोड का जहाँ से उसका घर जाता है, वो जो चौराहा है वो नहीं आ जाता। इंटरसेक्शन का मतलब होता है ना जहाँ पे रोड दो पटरी होती हैं, है ना, तो उस तरीके का जहाँ रास्ता नहीं आ जाता कि उसका घर का रास्ता दिख रहा है क्लियर, तो वो वहाँ तक जब तक नहीं पहुँच जाता तब तक वो जल्दी जल्दी तेज़ी से चलता रहता है उस फ़ोन को उठा के। अब वो बच्चा है क्योंकि, तो थोड़ा सा थक गया होगा ना, तो देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। ही स्टॉप टू रेस्ट एंड सेट द फोन डाउन ऑन इट्स डैंगलिंग लेग्स, इट वेवर्ड ऑन दैम। तो फिर वो क्या होता है, थोड़ी देर के लिए ना रुक जाता है अब रेस्ट करने के लिए, क्योंकि वो भी थक गया है बुशेज में से वो डियर को उठा करके इस तरीके से जंगलों के रास्तों से लेकर के आया है रोड तक, तो वो थक गया। तो उसने ना उस डियर को उसके लड़खड़ाते हुए झूलने वाले पैरों के साथ वहाँ पर खड़ा कर देता है और ख़ुद भी रेस्ट करने के लिए बैठ जाता है। इट वेवर्ड ऑन दैम, और जब वो उसके झूलने वाले पैरों से उसको वहाँ पे खड़ा करता है तो वो थोड़ा सा ना पैर की वजह से वो लड़खड़ा जाता है जो फ़ौन है। इट लुक्ड एट हिम एंड ब्लीटेड, फिर वो उसको तरफ देखता है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एकदम रोने से लगते हैं। ब्लीटेड मतलब बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं, आंसू भर आते हैं उनकी आँखों में, रोने लगते हैं। He said enchanted, I will clear carry you after I get my breath. वो फिर जॉडी जो है वो उसको पहले ना फ़ोन को लगता है ना कि शायद इसने मुझे छोड़ दिया, उतार दिया, लेकिन फिर वो जॉडी उसको समझाते हुए बोलता है कि अरे अरे मैं भी तुम्हें उठाऊँगा, जब मैं सांस ले लूँ ना थोड़ी सी फिर मैं तुमको उठा लूँगा। He remembered his father saying that a fawn would follow if it had first been carried. तो उसे ना अचानक अपने पापा की एक बात याद आ जाती है, जिसमें उसके पापा ने कहा था कि एक हिरन का बच्चा ना आपको ना फॉलो करने लगेगा, आपका पीछा करने लगेगा अगर आप उसको ना एक बार गोद में उठा लेते हो। ही स्टार्टेड अवे स्लोली, तो वो जो जॉडी है वो धीरे धीरे चलने लगता है। द फॉन स्टेयर्ड आफ्टर हिम, और जो फ़ोन है ना वो उसको घूरने लगता है, देखने लगता है कि ये कहाँ जा रहा है। ही केम बैक टू इट एंड स्टॉप्ड इट एंड वॉक्ड अवे अगेन, फिर जॉडी जो है वो उसके पास दोबारा आता है और उसको ना एकदम हाथ प्यार से ना उसके ऊपर हाथ फेरता है और फिर दोबारा से ना चलने लगता है। इट टुक अ फ्यू वॉबलिंग स्टेप टुवर्ड्स हिम एंड क्राइड पीटियसली, फिर जो वो फ़ोन है ना उसके पीछे पीछे ना थोड़े लड़खड़ाते हुए ना 3-4 कदम चलता है, और फिर ना जैसे वो थोड़ा सा जॉडी थोड़ा आगे निकलने लगता है ना, तो वो ना रोने सा लगता है एकदम दयनीय ढंग से, ना वो उसको देखने लगता है, रोने लगता है, ऐसा लगता है कि रो रहा है कि तुम क्यों जा रहे हो करके। इट वॉज़ विलिंग टू फॉलो हिम, और ऐसा लग रहा था कि वो फ़ोन जो है ना उसको चाहता है कि वो उसका पीछा करे, उसके पीछे पीछे जाए। इट बिलोंग टू हिम, ऐसा लग रहा था कि वो जो फ़ोन है वो अब उसको ही बिलोंग करता है, अब वो उसका हो गया है, वो उसके साथ ही जाना चाहता है। इट वॉज़ हिज ओन, और वो अब उसका खुद का है, जॉडी का ही है। ही वॉज़ लाइट हेडेड विद हिज जॉय, और ये सोच करके ना जॉडी को बड़ा अच्छा लगता है कि अरे वाह अब ये तो मेरे साथ आ रहा है, खुशी हो जाती है उसे, इसे तो मेरे साथ आना अच्छा लग रहा है। ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट टू रन एंड रोम विद इट टू कॉल इट टू कम टू हिम, अब वो जॉडी जो है वो चाहता है कि वो उसको ना प्यार से पुचकारे, बुलाए, है ना, और उसके साथ दौड़े, उसके साथ रोम करे, रोम मतलब होता है बच्चों प्ले, खेले, है ना, और उसको बुलाए कि चलो मेरे साथ आ जाओ। ही डेयर्ड नॉट अलार्म इट, लेकिन ना वो ना मतलब ज़्यादा कोशिश नहीं करता ऐसा कुछ करने की कि कहीं वो डर वर ना जाए, फ्राइटन ना हो जाए, है ना। ही पिक्ड इट अप एंड कैरीड इट इन फ्रंट ऑफ हिम ओवर हिज टू आर्म्स, वो उसको उठाता है गोदी में और लेकर के फिर से चलने लगता है। इट सीम्स टू हिम डैट ही वॉक्ड विदाउट एफर्ट्स,
और अब ऐसा लग रहा था कि ना बिल्कुल ही वो बिना ज़्यादा मेहनत के, बिना ज़्यादा कोशिश के वो आराम से चल रहा है। क्योंकि पहले तो जब वो चल रहा था तो जंगल में झाड़ियों के बीच में चल रहा था उसको उठा के, तो उसे थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी, क्योंकि जंगल के एक तो रास्ता इतना ख़तरनाक, ऊपर से झाड़ियाँ, ऊपर से उस डियर का वेट था। लेकिन अब तो वो रोड पर है थोड़ा, तो उसको ना ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल एफर्टलेसली चलता चला जा रहा है। और अब उसे खुशी भी थी क्योंकि उसे पता चल गया था कि जो डियर है वो खुद ही उसके साथ वो फॉन आना चाह रहा है। His arms began to ache and he was forced to stop again. लेकिन चलते चलते थोड़ा सा तो वो भारी था ना, इसकी वजह से उसके हाथ जो है उसमें दर्द होने लगा और फिर उसे दोबारा से उसे नीचे उतारना पड़ गया। When he walked on, the fawn followed him at once. फिर उसने थोड़ा सा चल करके देखता है, जैसे वो थोड़ा सा चलता है तो जो फॉन है वो उसको फॉलो करता है, तुरंत उसको फॉलो करता है, उसके पीछे आता है। ही अलाउड इट टू वॉक अ लिटिल डिस्टेंस, और फिर जॉडी ना उसको थोड़ा सा चलने देता है क्योंकि वो भी तो थक चुका है ना, और उसे पता चल गया कि फॉन तो खुद भी उसके साथ आना चाहता है, तो वो ना धीरे धीरे उसको थोड़ा सा चलने भी दे रहा है। देन पिक्ड इट अप अगेन, और फिर वो ना दोबारा से उसको गोद में उठा लेता है, क्योंकि वो ना ज़्यादा देर तक जॉडी नहीं चाहता कि वो उसको छोड़ के रखे, क्योंकि कहीं डियर का मूड बदल गया और वो वापस चला जाए, है ना। तो इसीलिए वो ना तो कभी कभी बीच में उठा लेता है, और कभी जब दर्द होता है तो दोबारा उसको छोड़ देता है कि वो धीरे धीरे उसको फॉलो करे। द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग, जो होम था, होम का डिस्टेंस था वो ना के बराबर रह गया था, मतलब घर उनका बस आने ही वाला था। ही कुड हैव वॉक्ड ऑल डे इनटू द नाइट कैरिंग इट एंड वॉचिंग इट फॉलो, लेकिन जो जॉडी है उसको इतना मज़ा आ रहा था कि उसके साथ वो पूरा दिन पूरी रात उसको गोद में उठा करके और उसको अपने पीछे चला चला करके ना वो पूरा दिन ऐसे इन्जॉय कर सकता था, ऐसे देख सकता था, मतलब उसे हिरन के साथ, उस फोन के साथ रहने में मज़ा आने लग गया था। ही वॉज वेट विद द स्वेट बट अ लाइट ब्रीज ब्लू थ्रू द जून्स मॉर्निंग कूलिंग हिम, लेकिन वो तो ना पसीने की वजह से बिल्कुल ही गीला हो गया था, लेकिन जो धीरे धीरे जो हवा चल रही थी जून मॉर्निंग की वो ना उसको थोड़ा सा ठंडा करके रखती हैं, है ना। द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन ब्लू चाइना कप, और जो आसमान है वो उतना ही क्लियर, उतना ही साफ है जैसे कि एक चाइना के कप में पानी एकदम साफ होता है, जो कांच वाले कप होते हैं ना बच्चों, एकदम मिट्टी से बने हुए एकदम वाइट, उसमें पानी जितना साफ दिखता है उतनी ही साफ आज स्काई भी थी। ही कम टू द क्लियरिंग, इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन, और वो धीरे धीरे जब रास्तों में आता है तो वो भी पूरी फ्रेश हैं और ग्रीन हो रखी हैं, क्योंकि रात में बारिश हुई थी तो उसकी वजह से वहाँ पे बहुत ही हरियाली है और रोड जो है वो भी सब साफ है। ही फंबल्ड विद द लैच एंड वॉज फाइनली ऑब्लिज टू सेट डाउन द फोन टू मैनेज इट, तो बच्चों लैच का मतलब होता है कुंडी, तो वो ना कुंडी को खोलता है, जॉडी की कुंडी खोल देता है और फोन को नीचे उतार देता है कि अब वो थोड़ा सा खुद मैनेज करे, फोन खुद मैनेज करे, अपने आप को कंफर्टेबल बनाए घर में। देन ही हैड एन आइडिया, ही वुड वॉक इनटू द हाउस इनटू पैनीज बेडरूम विद द फोन वॉकिंग बिहाइंड हिम, और जब वो कुंडी खोलता है तो अभी वो गेट के बाहर ही खड़े थे ना, तो अब वो ना आइडिया आता है उसको कि मैं ना अकेले ही घर में जाता हूँ, सीधा पैनी के बेडरूम में, पैनी उसके डैडी का नाम है, उनके बेडरूम में सीधा जाता हूँ और फोन को उसके पीछे पीछे आने देता हूँ। बट एट द स्टेप्स फोन बैग्ड एंड रिफ्यूज टू क्लाइंब इट, He picked it up and went to his father's. Penny lay with the closed eyes. लेकिन जब वो चलने लगता है ना तो देखता है कि फोन तो ना चाह ही नहीं रहा, वो तो रिफ्यूज़ कर रहा है ऊपर चढ़ने के लिए, क्योंकि वो तो जंगलों में रहता है, उसको तो पता ही नहीं ना सीढ़ियाँ क्या होती हैं और सीढ़ियों पे कैसे चढ़ा जाता है, तो वो जो फोन है वो वहीं पे खड़ा रह जाता है। तो फिर जॉडी आता है और उसको उठाता है गोद में और उसको लेकर के अपने पापा के रूम में जाता है, और वहाँ पे जो पैनी यानी कि उसके डैडी हैं वो आंखें बंद करके लेटे हुए होते हैं, क्योंकि उनको कल ही तो सांप ने काटा था ना। जॉडी कॉल्ड पा लुक, जॉडी कहते हैं पापा देखो। पैनी टर्न्ड हिज हेड, जॉडी स्टूड बिसाइड्स हिम, द फॉन क्लचेस हार्ड अगेंस्ट हिम, तो फॉनी जो मुड़ करके देखता है तो वहाँ पे जॉडी खड़ा होता है उसके बगल में और उसने फोन को अपनी गोद में एकदम अच्छे से पकड़ा हुआ होता है। इट सीम्स टू पैनी डैट द बॉयज़ आइज़ वर एज ब्राइट एज फोन्स, तो उसको ऐसा लगता है पैनी को देख करके कि जॉडी की आंखें और फोन की आंखें दोनों ही बहुत ही ब्राइट हो रखी, एकदम चमक रही हैं, क्योंकि अब दोनों को खुशी है एक दूसरे से मिलने के। ही सेड आई एम ग्लैड यू टू फाइंड हिम, तो जॉडी का पापा जो है पैनी वो कहता है कि मुझे खुशी हुई कि तुम्हें ये मिल गया।
जॉर्डी देन वेंट टू द किचन, फिर जॉर्डी उसको किचन में लेके जाता है। द फॉन वॉबल्ड आफ्टर हिम, और जो फॉन है वो भी धीरे धीरे लड़खड़ा करके उसके पीछे पीछे चलता है। अ पैन ऑफ मॉर्निंग मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ, तो जो एक सुबह से ना जो दूध था वो एक बर्तन में वहाँ पे किचन के शेफ में रखा होता है। द क्रीम हैड रेजन ऑन इट, और जो क्रीम है उसके ऊपर आ जाती है। जब हम दूध उबाल के रख देते हैं बच्चों, तो उसके ऊपर थोड़ी देर में क्रीम जम जाती है ना, मलाई आ जाती है, तो उस पर भी मलाई आ गई होती है। ही स्कीम्ड द मिल्क इन टू द जग, तो वो क्या करता है क्रीम को ना एक जग में निकाल देता है। क्रीम को निकालने का प्रोसेस होता है बच्चों ये स्कीम्ड, उसको छान करके उसको निकाल के वो जग में रख देता है। ही पोर्ड द मिल्क इन टू द स्मॉल गॉड, वो दूध को एक छोटे से किसी बर्तन में डाल देता है। ही हेल्ड इट आउट टू द फॉन, और वो उसको थोड़ा सा फॉन की तरफ करता है, उस बर्तन को फॉन की तरफ करता है। इट बटेड इट सडनली स्मेलिंग द मिल्क, और वो ना जब उसके पास वो बर्तन आता है तो ऐसा लगता है उसने उस पर कब्जा कर लिया, एकदम से उसको सूंघने उंघने लगता है वो दूध क्या है, वो उसको सूंघने लगता है, स्मेल करने लगता है। ही सेव्ड इट प्रिकेरियसली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर, इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गॉड, और जो वो फॉन उसको स्मेल कर रहा होता है और उसके पास भग करके आता है, तो जो जॉर्डी है वो उसको बर्तन को पकड़ के सावधानी से पकड़ के रखता है ताकि वो बर्तन ना गिर जाए और उसमें से दूध जो है वो बाहर ना गिर जाए, फ्लोर पे ना फैल जाए। अगर वो फैल गया तो फिर फॉन क्या खाएगा क्या पिएगा ना, तो इसलिए उसको सावधानी से उसको पकड़ के रखता है। और जो फॉन है उसको स्मेल कर रहा होता है, उसको सूंघ रहा होता है। He dipped his finger in the milk and thrust them into the fawn's soft, wet mouth. तो बच्चों जैसे कि आप अगर आपने भी कभी देखा हो कोई छोटा बच्चा होता है, जैसे बिल्ली का बच्चा या कुत्ते का बच्चा, तो वो अपने आप से जब दूध जो है वो पी नहीं पाता तो क्या करते हैं हम उसको कॉटन में डिप करके जो दूध होता है उसके मुंह में डालते हैं ताकि वो आराम से उसको इजिली पी ले। तो ऐसे जॉली क्या करता है अपनी फिंगर को दूध में डिप करता है, भिगोता है और फिर उसको फॉन के गिले गिले मुंह के अंदर उस फिंगर्स को डाल देता है। इट सक्ड ग्रीडली, और जैसे वो अपनी उंगलियों को उसके मुंह के अंदर रखता है वैसे ही जो फॉन है वो पूरा दूध ना सक करके पी जाता है, एकदम जैसे लालची बच्चे नहीं एकदम जल्दी से करके पिए ऐसे करके वो एकदम से सारी उंगली उसकी चूस लेता है। When he drew them, it glittered frantically and butted him. जैसे ही वो अपनी उंगलियाँ ना उसके मुँह से बाहर निकालता है तो एकदम जैसे छोटे बच्चों की तरह पागलों की तरह ना फिर वो ना रोने सा लगता है, ऐसे मतलब बेचैन हो उठता है फॉन। He dipped his finger again as the fawn sucked. He lowered them slowly into the milk. फिर वो दोबारा से अपनी उंगलियाँ जो है वो दूध में डुबोता है आराम से सावधानी से, और फिर वो क्या बोलते हैं उसको फॉन के मुंह में दोबारा से डालता है और फॉन फिर दोबारा से उसको सक कर जाता है, पी जाता है। द फॉन ब्लू एंड सक्ड एंड स्नॉटेड, और जो फॉन है वो उसको आराम से दूध को जो है वो पी रहा है गट गट करके एकदम ही स्नॉट करते हुए अच्छे से उसको पीता रहता है। और जब और क्या होता है देखिए, इट्स चैम्प्ड इट्स स्मॉल होप्स इम्पेशेंटली, और जब ना जॉर्डी अपनी उंगलियों को दोबारा से उसमें कंटेनर में दूध लेने के लिए डुबोता है तो ये अपने पैर जो है वो ना पटकने लगता है इम्पेशेंटली, मतलब जैसे कि उससे जल्दी है बहुत ही दूध पीने की कि जल्दी से तुम दूध वो या फिंगर्स में लगा करके मेरे मुंह में डालो, इस तरीके से वो अपने पैर पटकने लगता है। एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क द फॉन वॉज कंटेंट, इट क्लोज इट्स आईज ट्रिमली, इट वॉज एक्सटेसी टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हैंड। जो दूध जब वो लेने के लिए दूध कटोरी में अपनी फिंगर्स डालता है तो जो फॉन है वो बहुत ही मतलब उसको उत्सुकता के साथ देखता रहता है, और जब वो फिंगर्स उसके मुंह में डालता है दूध वाली तो वो जो फॉन है वो अपनी आंखें बंद करके एकदम ड्रीमिली उस दूध को पीता है, एकदम उसमें खो जाता है और उसको उंगलियों को आराम से चूसता रहता है। और ये जो फीलिंग है ना जब उसके फिंगर्स पे उसकी जो टंग है वो टच हो रही है वो उसको जॉडी को बहुत ही आनंद दे रही है। एक्सटेसी का मतलब होता है बच्चों बहुत ही किसी चीज़ को करने में बहुत खुशी मिलती है ना, परमानंद मिलता है, तो वैसे उसे खुशी मिल रही है उस फॉन को वो दूध पिलाते हुए जॉडी को, तो इतनी खुशी हो रही है उस फॉन ने उसके फिंगर से वो दूध पी रहा है तो जॉडी को बहुत अच्छा लग रहा है। इट स्मेल्स टेल इट्स स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ,
और जो उसकी पूंछ है वो आगे पीछे ऐसे वो कर रहा है, हिला रहा है। द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिश्ड इन द स्विल ऑफ फॉर्म एंड गर्गलिंग। और जो लास्ट डिप तक, जब तक दूध खत्म नहीं जाता तब तक वो एकदम ही उसको गट-गट करके पूरा अच्छी तरीके से वो फॉर्म जो है वो पी जाता है। तो देखो बच्चों कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी कि एक बच्चे की वो कितना समझदार है कि वो एक छोटे से फॉन का दर्द समझता है कि अब उसकी माँ जो है वो मर गई है और अब उसका कोई नहीं है इस दुनिया में, तो उसका क्या होगा, वो बाकी एनिमल्स कितना उसको डरा के रखेंगे और वो बेचारा भूखा ना मर जाए। इसलिए वो उस वो जो जॉडी है वो जाके उस फॉन को जंगल से लेकर आता है और उसके लिए उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, अपने मम्मी पापा को मनाना पड़ता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे दूध की ज़रूरत नहीं है, हम वाला दूध इसको दे देंगे और क्या बोलते हैं, मैं आराम से जा कर के उसको लेकर के आ जाऊँगा, ऐसे करके उसे मनाता है और लेकर के आता है। तो कितनी ब्यूटीफुल ये स्टोरी थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। और बाकी चैप्टर्स की डिटेल ऐसे ही समरी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के क्लास 8 से रिलेटेड और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखें। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग।